प्लांट नंबर 3 ऑफ 30 प्लांट सीरीज हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। हाँ जी, यही है तीसरे नंबर का पौधा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में फूल हो, सुंदर सा फूल, बहुत प्यारा फूल, और मेन चीज़ है कि उसके बेनिफिट्स भी हो, वो शुभ पौधा भी हो, तो आपको इसको रखना है। ये एक ऐसा यूनिक प्लांट है ना, अगर आपने इसको सही से रखा है, काफ़ी पुराना हो चुका है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो ये सारे मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। शुभ पौधा तो है ही, पूजा करने के लिए आपको डेली फूल चाहिए, आप इसको रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो पौधा है ना, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और ये एक हर्बल प्लांट भी है। इसकी जो फूल है ना, उनका हेयर ऑयल बनता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होता है। लोगों का कंसर्न पता है क्या होता है? सबसे पहले क्वेरी आती है कि मैडम इसमें फूल नहीं आ रहे। दूसरी क्वेरी आती है कि इसमें सफ़ेद वाले वाइट मिली बग्स लग रहे हैं। और तीसरी क्वेरी ये आती है कि इसकी पत्तियां पीली हो रही है। तो चलिए पूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। गुड़हल में इतनी वैरायटीज आती हैं, इतनी वैरायटीज आती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ कलर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ऑरेंज, पीच, कोका कोला कलर, पर्पल, वाइट में रेड, रेड में पिंक, बहुत सारे कलर्स। दूसरी ये भी वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी, जिसमें इतने बड़े बड़े फूल होते हैं। प्लांट का साइज छोटा रहेगा लेकिन फूल इतने बड़े बड़े आते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो देसी यानी कि रेड वाला जो परमानेंट अपना ट्रेडिशनल गुड़हल है, उससे शुरुआत करिएगा। मेडिसिनल बेनिफिट्स भी उसी के होते हैं। गर्मी वाला पौधा है, टिपिकल समर प्लांट, 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड होती है, तो थोड़ी सी केयर करिए। पुराने जो पौधे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड को दिक्कत नहीं होती, देशी को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा आप कवर करके रखिए, थोड़ा पानी वगैरह का ध्यान रखिए, कम दीजिए, चिल्ड पानी मत दीजिए। जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही फरवरी आएगी, आप इसकी कटिंग कर दीजिए, ये फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। हिबिस्कस को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, केयर करना आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मई जून में भीषण गर्मी होती है, तो थोड़ा सा आप इसको कवर करके रखिए, थोड़ा शेड के नीचे रखिए, गरम गरम खौलता पानी ना दें, उसमें कुछ खाद ना दें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। कुछ टाइम के बाद है बरसात में ये फिर से ब्लूम करना स्टार्ट कर देता है। इसको कम से कम 5 घंटे की धूप चाहिए। अगर आप 5 घंटे की अच्छी धूप दे रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। आप इसको पहली चीज़ तो नर्सरी से ला सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कटिंग से लगता है, और तीसरी चीज़ ये बीज से लगता है। जिनमें से बेस्ट यही है, आप बिगनर हैं, इसको नर्सरी से ले आइए। 60 रुपये से लेके, मतलब 50-60 से लेके 200 रुपये तक मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी ला रहे हैं। इसके लिए जो पॉट है ना, गमला, वो कम से कम 12 इंच का रखिएगा। वैसे तो ये ग्राउंड में ग्रो होता है, लेकिन आप इसको पॉट में रख सकते हैं, लेकिन गमला एटलीस्ट 12 इंच का रखिएगा। क्ले पॉट बेस्ट है क्योंकि उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती है, पानी ज़्यादा होता है तो गमला सोख लेता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप प्लास्टिक, सेरेमिक, सीमेंट किसी में भी लगा सकते हैं। एक छोटी सी टिप है, अननेसेसरी इसकी रीपॉटिंग मत करिएगा। इसको थोड़ा सा रूट बाउंड पसंद है, तो जब आपको लगे कि एवरीथिंग इज ओके, स्टिल ये प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, तभी आप इसको पॉट से निकालेंगे। अननेसेसरी ऐसे नहीं कि आज मन कर रहा है, आज इसको बाहर निकालते हैं, किसी और में लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए, और वो वेल ड्रेन भी होनी चाहिए, मतलब चिकनी या पत्थर नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपके एरिया में जो भी मिट्टी है आप ले लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, थोड़ी धूप दिखा लीजिए। जितनी मिट्टी है आपके पास, उसका आधा आपको कोई भी कॉम्पोस्ट लेना है। जितना आपने कॉम्पोस्ट लिया है उसका आधा आपको कोकोपीट लेना है, जितना कोकोपीट है उतना ही आपको सैंड लेना है। थोड़ी सी फंगीसाइड ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी फंगस और रूट रॉट हो जाता है, और अगर आपके पास नीम की खल है तो आप वो डाल दें। अच्छे से मिक्स करें, और ये मिट्टी परफेक्ट है गुड़हल के लिए। ये जो प्लांट है ना, इसको बिल्कुल बैलेंस्ड पानी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, ओवर वाटरिंग होगी तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि जब आपको मिट्टी सूखी दिखे ऊपर की, हल्की सी गुड़ाई करें, अंदर हल्का सा टच करें। जब आपको लगे कि अंदर भी हल्की सी सूख गई है, आप तभी पानी देंगे, और जब पानी देंगे बहुत अच्छे से देंगे। नीचे तक जड़े हैं, नीचे तक पानी जाना चाहिए। आपने कभी अंडर वाटरिंग की, मतलब पानी देना था आप नहीं दे पाए, दैट्स ओके, कभी कदार चलेगा।
ओवर वाटरिंग नहीं चलेगी। ओवर वाटरिंग और ज़्यादा फर्टिलाइजर से गुड़हल को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को हम घना कैसे बनाएंगे और इससे हम बैक टू बैक फ्लावरिंग कैसे लेंगे। ये बहुत ईजी है। देखिए, ये जो गुड़हल का पौधा आपको नर्सरी से मिला है ना, इसकी आपको कटाई छटाई करनी है और इसको आपको घना बनाना है। पूरे साल स्पेशली फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इसकी टिप कट करते रहें। जितनी बार आप टिप करेंगे उतनी बार वहाँ से नई नई ग्रोथ शुरू होगी। हर 15-20 दिन में आप एक बार इस पर कैंची चला दीजिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा कलियाँ होंगी और उतने ज़्यादा फूल होंगे। दूसरी कटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फरवरी में जब बसंत आती है आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तीसरी चीज, आपको इसकी पीली पत्तियां, सूखी पत्तियां और जो प्लांट के नीचे की पत्तियां हैं उन सबको हटाते जाना है। इनकी वजह से प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। और चौथी चीज, जो फूल खिल चुका है उसको हटा जरूर दें। वो फूल ना खिलने के बाद सूख के नीचे मिट्टी में गिरेगा, फिर पानी आप डालोगे फिर फंगस हो जाएगी, ये थोड़ी सी दिक्कत कर देगा। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर्स की। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, अगर आप इसमें खाद नहीं देंगे तो आप फूलों की उम्मीद ना करें। महीने में एक बार आपको कोई ना कोई इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना है जो कि हैवी, जिसमें NPK भी हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सारे मिनरल्स होने चाहिए। आप चाहे तो काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप चाहे तो नीम केक डाल सकते हैं, आप चाहे तो मस्टर्ड केक डाल सकते हैं, आप चाहे तो ग्राउंडनट केक डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट टी भी डाल सकते हैं, सीवीड भी डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट ज़्यादा गर्मी में नहीं देना चाहिए। जब ये प्लांट फ्लावरिंग की स्टेज पे होता है, आपको कलियां दिख रही हैं, तो आप बनाना पील और अनियन पील डालें। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बनाना पील डालें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस टॉनिक के बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। इसका नाम है प्राइम प्लस। ये एक पूरी तरीके से केमिकल फ्री, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको आप देते हो अपने प्लांट्स में तो कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप NPK, DAP, यूरिया यूज़ करते हो तो धीरे धीरे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए, वो सब का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो काउडंग फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते हैं, मुझसे बोलते हैं मैडम आप सब में यही डालते रहते हो, हम नहीं बना सकते क्या करें। बहुत से लोग मस्टर्ड केक, कहीं कहीं ग्राउंड नट अवेलेबल नहीं है, है ना, नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है, रेडी टू यूज़ फर्टिलाइजर्स चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जैसे कुछ लोग हैं, अभी जैसे 30-day सीरीज चल रही है, मैं थोड़ी बिजी हूँ और प्लांट्स भी जैसे कद्दू लौकी उग रहे हैं तो उनको भाई टॉनिक फर्टिलाइज़र चाहिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं जाके उसमें नीम की खल वगैरह दूंगी। तो इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी अच्छे से पानी में मिला के दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तो हो गया फर्टिलाइज़र का। दूसरी चीज़, ये एक पेस्टिसाइड भी है। अगर आप इसका यूज़ करते हो अपने गार्डन में तो ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिली बग, एफिड्स, स्पाइडरमाइट, टर्माइट, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, ये सब आपके गार्डन में नहीं आएंगी। पेस्ट रिपेलेंट का काम करता है। तीसरी चीज़, ये फंगिसाइड का भी काम करता है। मिट्टी में फंगस हो रही है, ये जो हमारा हाइब्रिड विंग का है, फंगस की वजह से प्रॉब्लम में आता है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी इसमें है। बिलीव मी, जब मैंने यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। एक्चुअली आप लोग मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, आई नो दिस, सो मुझे कुछ भी आप लोगों को बताने के पहले उसको अपने प्लांट्स में यूज़ करना पड़ता है। पहले मैंने एक में यूज़ किया डर डर के कहीं ऐसा ना ख़राब हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टा पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया कि धीरे 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 करके सारे प्लांट्स में यूज़ किया, एंड टचवुड सारे प्लांट्स बहुत हेल्थी हैं। और ये जो प्राइम प्लस है, ये पृथ्वी पोषक, इनका टोटली कंप्लीट फर्टिलाइजर है, उससे और प्रोटेक्टर से मिलके बना है प्राइम प्लस। प्रोटेक्टर बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, जो लोगों को नीम ऑयल से प्रॉब्लम है वो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको अलग से कोई फर्टिलाइजर डालने की या कोई अलग से पेस्टिसाइड डालने की, नीम ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। अगर आपके प्लांट 2 महीने के नहीं हुए, छोटे प्लांट्स हैं, तो आप इसको 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करें। आप मिट्टी में भी दे सकते हैं
और स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर दीजिए महीने में 3 बार यानी कि 10-10 दिन के गैप में। दूसरी चीज, अगर प्लांट आपका पुराना है, मजबूत है ना, जैसे मेरे ये आम का पेड़ है, मेरे गुड़हल है, मेरे हर श्रृंगार है, 1 लीटर में 7 ml मिलाएंगे, 7 ml 1 लीटर में मिलाना है, और महीने में 4 बार आप दे सकते हैं, यानी कि हर हफ्ते देने से आपको प्लांट में कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कीड़े लग जाते हैं उनमें क्या करें। आपने क्या करना है कि हर हफ्ते नीम की पत्ती का काढ़ा बना के प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करना है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर कीड़े लग गए हैं, अगर आपने शुरुआती दौर में देख लिया तब तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लांट पूरी तरीके से अगर ग्रस्त हो चुका है इस प्रॉब्लम से तो फिर निकलना मुश्किल होता है। आपने क्या करना है, जहां भी सबसे ज्यादा प्रकोप है उस पार्ट को कट करें, उसके बाद आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। नीम ऑयल से अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट ना लगे इसके लिए प्राइम प्लस यूज करें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, प्लांट नंबर 3 बताया है और प्लांट प्रोटेक्टर, प्लांट पोषक, प्राइम प्लस के बारे में बताया है। अगर आपको ये खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, गेस करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।